Hello students, how are you all? I hope you all are well at your homes. Student, today we will discuss about Chapter 6, MS Word 2007. Student, in this chapter we will discuss about the Microsoft Word 2007, how it is performed and how we will do different tasks with the help of MS Word 2007. Student, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि MS Word 2007 का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे हम इसमें सेलेक्शन करते हैं, कैसे इसमें एडिटिंग करते हैं टेक्स्ट की, कैसे हम इसकी कमांड्स को यूज़ करते हैं, कैसे इसमें हम कॉपी पेस्ट एंड कट करते हैं एंड कैसे हम ग्रामेटिकल एरर्स को रिमूव करते हैं या फिर ग्रामेटिकल जो भी मिस्टेक्स हैं या फिर ऐड टू डिक्शनरी वर्ड्स को कैसे करते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. This is Anuj Kumar Verma and again I welcome you all in computer class. So in introduction to Word, you have already learned in previous class that Microsoft Word is word processing program which allows the user to type and save documents. Basically student, इसमें हम क्या previous class में भी पढ़ चुके हैं Microsoft Word के बारे में. जो Microsoft Word है क्या है, वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो हमें क्या करता है, अलाउ करता है हमारे टाइप्ड वर्क को. मीन्स इफ़ यू वांट टू टाइप आवर एप्लीकेशन, इफ़ यू वांट टू टाइप आवर क्वेश्चन पेपर, इफ़ यू वांट टू टाइप एनीथिंग व्हिच इज़ रेलेवेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. मीन्स कुछ भी टेक्स्ट की फॉर्मेशन से अगर रिलेटेड है, अगर कुछ टाइपिंग या लिखने से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, एम एस वर्ड का यूज़ करते हैं. एंड देन क्या करते हैं, अपने एम एस वर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर या फिर हम कोई भी फॉर्मेट अगर एप्लीकेशन का है, उसको टाइप करने के बाद क्या करते हैं, हम उसको सेव करते हैं. सेव करने के बाद वो फाइल हमारी सिक्योर होकर हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में सेव हो जाती है. अ वर्ड प्रोसेसर क्या है, बेसिकली अ वर्ड प्रोसेसर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, इनपुट एंड आउटपुट द टेक्स्ट विद वेरियस अदर फीचर्स. बेसिकली वर्ड प्रोसेसर क्या है, वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है, हमें फॉर्मेटिंग में हेल्प करता है. फॉर्मेटिंग मीन्स जैसा भी हमारा टेक्स्ट है, कुछ भी टाइप किया है हमने, तो उसका फॉर्मेटिंग कैसा होगा, बोर्ड होगा, फॉन्ट साइज़ कम या ज़्यादा करना है, कलर कैसा रखना है, इफ़ेक्ट्स कैसे लगाने हैं, वो सारे क्या होते हैं, फॉर्मेशन में आएंगे. एडिटिंग में क्या है, एडिटिंग का भी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पज़ से. इनपुट देना या फिर हम जो भी डेटा टाइप कर रहे हैं वो इनपुट है, एंड आउटपुट कैसा हमें रिजल्ट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग. ये सारे फीचर्स क्या हैं, हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हैं. ओके, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द एम एस वर्ड वॉज रिलीज इन 1983. मीन्स जो फर्स्ट वर्जन है वो कब रिलीज हुआ था, 1983 में. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एम एस वर्ड 2007 विच इज़ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द अर्लियर वन. मीन्स हम लोग इसमें 2007 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो विंडोज़ 7 है वो अपडेटेड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का. देन अभी क्या है, अभी तो 2010 भी आ चुका है विंडोज़ का, तो बेसिकली हम यहाँ पे 2007 के बारे में जो भी है डिटेल, उनके बारे में पढ़ेंगे. इस तरीके का कुछ विंडो होता है कंप्यूटर की स्क्रीन का. यहाँ से आपको क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे आपको ये क्विक एक्सेस टूल बार के आइकन शो होंगे. मैं अभी जूम करके आपको दिखाता हूँ. यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके के क्विक एक्सेस टूल बार के आइकन्स हैं. देन ऑफिस बटन में क्या है, ऑफिस बटन आपको यहाँ से मिल जाएगा. एंड ये हमारा रूलर है, रूलर एरिया, जहाँ से हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम कर सकते हैं पेजेस के. देन टाइटल बार, अगर आप कोई भी फाइल सेव करते हैं तो आपको क्या होगा, एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन शो करेगा टाइटल बार. टाइटल की स्पेलिंग TITL ही होती है बेसिकली. ओके, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड का कलर, जूम इन, जूम आउट, बोर्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और यहाँ से टेक्स्ट जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसका साइज़ कितना कम या ज़्यादा कर सकते हैं. यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो फॉन्ट है, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, किस राइटिंग को आप चूज़ करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं. ओके, बेसिकली अब क्या है, रूलर से हमें पता चलेगा हमारी लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी. एंड देन रिबन है, रिबन एरिया से भी हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं. क्लोज बटन, 3 बटन्स होते हैं बेसिकली हमारा, एक क्लोज बटन होता है, ये मैक्सिमाइज बटन होता है सेंट्राइज करके, एंड देन होता है हमारा मिनिमाइज। मिनिमाइज करेंगे तो हमारी क्या होगी, स्क्रीन मिनिमाइज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और डाउन साइड में चली जाएगी। ओके, मैक्सिमाइज में मैक्सिमाइज हो जाएगी, देन क्लोज में क्या होगा, हमारा विंडो बंद हो जाएगा। स्क्रॉल बार्स होते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टली यूज़ करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराएगा। स्टेटस बार हमें शो करता है हमारा स्टेटस क्या है, व्यू करने के थ्रू आपको दिख जाएगा। जूम स्लाइड में जूम कर सकते हैं एंड व्यू बटन से हम व्यू कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। Word contains additional features such as theme, smart art and style etc. for making impressive and professional look document. बेसिकली जो एडिशनल फीचर्स हैं उसमें थीम्स हैं, किस तरीके की हम थीम चूज़ कर रहे हैं। सपोज़ आपका टॉपिक सोलर सिस्टम है तो आप उसके अकॉर्डिंग थीम चूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट को चूज़ कर सकते हैं, देन स्टाइल को भी चूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा हमारा जो टेक्स्ट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है या हमारा जो भी डॉक्यूमेंट रेडी हो रहा है वो क्या होगा, प्रोफेशनल लुक देगा। दूसरा क्या होगा, इम्प्रेसिव होगा, मीन्स दिखने में इम्प्रेसिव होगा, मीन्स जो भी उसको देखेगा वो इम्प्रेस होगा एक तरीके से। इट सेव्स योर फाइल विद द एक्सटेंशन नेम ऑफ .docx। डॉक्यूमेंट फाइल है तो .docx से सेव होगी। डॉट लगाना ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल। इफ़ योर डॉक्यूमेंट नेम इज xyz देन इट सेव एज xyz एंड देन डॉट एक्सटेंशन देन .docx। ओके, इस फाइल के नाम से आप सेव करेंगे। सपोज आपका नेम, मेरा नेम है अनुज, देन इफ़ वी वांट टू सेव आवर फाइल देन वी टाइप माय नेम अनुज .doc। सपोज मैं अगर अपने नेम की फाइल बनाऊँ तो मैं क्या लिखूँगा, anuj देन .docx, डॉक्यूमेंट फाइल है। देन क्या करना है, अगर डॉक्यूमेंट फाइल बेसिकली क्या है, जो एक्सटेंशन है वो जस्टिफाई है। बेसिकली आपको अपना नेम ही सेव करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट फाइल में ही कर रहे हैं, वर्ड की फाइल में, तो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर लेगा। ओके, नाउ क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, स्टेप के थ्रू सीखेंगे। बेसिकली फर्स्ट क्या है, हमें ऑफिस बटन पर क्लिक करना है। ऑफिस बटन मीन्स ऑफिस बटन आपको टॉप पर मिल जाएगा इस तरीके से, यहाँ से। देन आपको क्या करना है, सेलेक्ट अ न्यू पे क्लिक करेंगे। देन हमारा क्या होगा, एक न्यू डॉक्यूमेंट इस तरीके से ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स। फिर आप क्या करेंगे, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज़ कर लेंगे। देन ब्लैंक एंड रिसेंट से क्या करेंगे, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट का एक स्क्रीन इस तरीके से शो हो जाएगा। देन आप क्या करेंगे, वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपली हमें ऑफिस बटन पर क्लिक करना है। देन ऑफिस बटन के बाद हमें न्यू पे क्लिक करना है। देन उसके बाद क्या होगा, हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। देन उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हमारी जो भी फाइल जहाँ पे हमें वर्क करना है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। और शॉर्टकट की भी हम यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली Ctrl+N, तो वर्ड की फाइल हमारी क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाएगा हमें विंडोज़ की स्क्रीन पर। ओके, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, टाइपिंग टेक्स्ट ऑन योर डॉक्यूमेंट। किस तरीके से हम टाइप करते हैं टेक्स्ट को। बेसिकली जहाँ पे हमारी ब्लिंकिंग लाइन होती है, जहाँ पे हमारी लाइन ब्लिंक कर रही होती है, ब्लिंकिंग लाइन या ब्लिंकिंग लाइन बोलते हैं, वहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट हो जाता है। सो आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट यू विल फाइंड एन इंसर्शन पॉइंट विद कर्सर ब्लिंकिंग। यू कैन टाइप योर कंटेंट ऑन द वर्क स्पेस एरिया। मीन्स जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे हमारा पोर्शन, जहाँ पे ब्लिंकिंग लाइन शो हो रही है, वहीं से हमारा जो टेक्स्ट है वो लिखना स्टार्ट हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, टेक्स्ट को लिखने के बाद आप उसको सेव कैसे करेंगे, सिंपली आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा फाइल सेव करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। सो हाउ टू सेव योर फाइल, फाइल को कैसे सेव करना है। फॉलो द गिवन स्टेप टू योर डॉक्यूमेंट यूजिंग सेव कमांड। फर्स्ट इज क्लिक टू ऑफिस बटन। पहले क्या करना है, ऑफिस बटन पे क्लिक करना। देन सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव ऑप्शन आपको इस तरीके से विंडो की स्क्रीन पे शो करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपने फ़ाइल का नेम नहीं दिया था पहले तो आप सेव एज करके आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। देन आप क्या करेंगे, अपना नेम एंटर करेंगे। इस तरीके से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, नेम एंटर करेंगे। फिर आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं यहाँ से आपको मिल जाएगा। आपको मैं शो कर रहा हूँ, ये देखिए डेस्कटॉप डाउनलोड्स, कहाँ सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। देन सेव करने के बाद आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी सिस्टम में और आप एग्जिट कर सकते हो, क्लोज़ कर सकते हो। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है? The save as command in the file menu create a copy of the current document or image you are working on। जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप सेव एज करेंगे तो जो फाइल पहले से सेव थी उसका एक डुप्लीकेट कॉपी रेडी हो जाएगा या उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पे आप अदर वर्क भी कर सकते हैं। फर्दर एनी मॉडिफिकेशन और चेंजेस ऑफ द फाइल इज सेव्ड यूजिंग द सेव कमांड। सेव कमांड से क्या कर सकते हैं आप, उसे सेव कर सकते हैं। नाउ अब हम अपना डॉक्यूमेंट बन चुका है तो उसको सेव करने के बाद क्लोज़ कैसे करेंगे। सिंपल स्टेप क्या है, अगर हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है देन हम क्या करेंगे, कंप्लीट होने के बाद उसमें ऑफिस बटन पे जाएंगे, ये ऑफिस बटन है। देन क्या करेंगे, क्लोज़ बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन है आपका क्लोज़ का, वहाँ से क्लोज़ बटन पे क्लिक कर देंगे। देन क्या करेंगे, अगर कोई चेंजेस नहीं है तो क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा। देन आप क्या करेंगे, क्लोज़ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी वर्क है वो क्या हो जाएगा, सेव होने के बाद आपकी विंडो बंद हो जाएगी। स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, रेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको स्टूडेंट ये बताना है कि हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है या फिर अपडेटेड वर्जन विंडोज़ 7 का कौन सा है, उसका नेम बताना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।